नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। इंग्लैंड के खिलाफ जीतने के बाद इंडिया को मिला है फायदा, बनी दुनिया की नंबर वन टेस्ट टीम। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई चार मैचों की टेस्ट सीरीज को टीम इंडिया ने 3-1 से जीत लिया है। सीरीज का आखिरी मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां टीम इंडिया इंग्लैंड की एक पारी और 125 रनों से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया, जहां अब उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने का फायदा भारतीय टीम को हुआ है। टीम इंडिया टेस्ट रैंकिंग नंबर वन पर पहुंच गई है। इसके साथ ही झारखंड से अगली बड़ी खबर सामने खुलकर आया है। दोस्तों, झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ तेज हुआ अभियान, लोंची पहाड़ी इलाके का चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं जवान। झारखंड की लोंची पहाड़ी में गुरुवार को हुए कोलोमोर माइंस विस्फोट से 3 जवानों की शहादत के बाद दूसरे दिन शुक्रवार को इलाके में पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवा और खूंटी जिले से एक बार फिर बड़े पैमाने पर सीआरपीएफ, कोबरा झारखंड, जुगुरवार और जिला पुलिस द्वारा अभियान शुरू किया गया है। शुक्रवार को एएसपी अभियान उमेश कुमार शाह सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ लोंची पहाड़ी स्थित कैंप पहुंचे। उन्होंने जवानों के साथ बैठक की और बैठक के बाद नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया। शिक्षकों के बारे में एक बड़ी खबर सामने खुलकर आ रहा है। झारखंड में तबादले में अब मनमानी नहीं चलेगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तबादला अब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा। यह पहल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने की है। विभाग ने प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के तबादले के लिए पहली बार पोर्टल तैयार किया है। शीघ्र ही इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। फिलहाल पोर्टल की टेस्टिंग चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी माह इस पोर्टल की लॉन्चिंग कर सकते हैं। यह प्रयोग अगर सफल रहा तो इसे अन्य विभागों में भी लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही पारा शिक्षकों का एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रहा है। पारा शिक्षक मांग रहे हैं परमानेंट जॉब। झारखंड में पारा शिक्षकों का आंदोलन परमानेंट करने को लेकर जारी है। इस बीच सरकार के स्तर पर सभी पारा शिक्षकों के प्रशिक्षण से लेकर टेट पास करने की जानकारियां मांगी है। संभव है कि जल्द ही पारा शिक्षकों के बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार कोई बड़े फैसला का ऐलान कर सकते हैं। आप सबको बता देना चाहता हूं कि जिलों द्वारा विभिन्न स्तरों पर पारा शिक्षकों के संबंध में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में बहुत भिन्नता है। बहुत सारे ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर पारा शिक्षकों के संबंध में कई जानकारियां गलत भी पाई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षक अधीक्षकों को पत्र लिखकर कहा है कि विभिन्न स्रोतों से पारा शिक्षकों की संख्या अलग अलग दर्शाई जा रही है, जो स्वीकार नहीं है। उन्होंने हर हाल में 10 मार्च तक पारा शिक्षकों के सभी आंकड़ों को दुरुस्त करने तथा ई विद्यावाहिनी पर अपडेट करने के साथ साथ राज्य परियोजना कार्यालय को सही आंकड़ों का उपलब्ध कराने को कहा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर खुलकर सामने आया है। केंद्र सरकार से पहले झारखंड सरकार ने मीडिया कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानने की भेजी अनुशंसा। झारखंड सरकार ने राज्य के मीडिया कर्मियों को भी फ्रंटलाइन वर्कर में शामिल करते हुए उन्हें कोविड टीका देने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की है। स्वास्थ्य विभाग ने भारत सरकार के NHM के मिशन डायरेक्टर वंदना गुरनानी को पत्र भेजकर इनकी मांग की है। गौरतलब है कि इसके पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मीडिया कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर में शामिल करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मीडिया कर्मी भी लगातार जान की परवाह किए बगैर कोरोना से जुड़ी सारी जानकारियां पहुंचाते हैं और खतरा मोल लेते हैं। इसके साथ ही एक बड़ी खबर सामने खुलकर आ रहा है दोस्तों कि शरद पवार जो है झारखंड आ रहे हैं। शरद पवार और हेमंत सोरेन की मुलाकात नया गुल खिला सकता है। सरकार में शामिल हो सकता है NCP। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार रविवार को झारखंड आ रहे हैं। वे यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। इसकी प्रबल संभावना है कि वे मुख्यमंत्री से उनके मंत्रिमंडल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भागीदारी को लेकर बातचीत करेंगे। हालांकि राज्य में झामुमो नित गठबंधन सरकार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त है। हुसनाबाद प्लामो के NCP विधायक कमलेश कुमार सिंह पहले से ही CM हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं। अब सरकार में NCP के शामिल होने पर उनके मंत्री बनने की भी अटकलें तेज हो गई है। शरद पवार रविवार को हरमू मैदान में पार्टी के प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनके साथ महासचिव प्रफुल्ल पटेल, महिला राकंपा अध्यक्ष फौजिया खान, युवा अध्यक्ष धीरज शर्मा और छात्र संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया दुहन समेत अन्य वरिष्ठ सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर है झारखंड की जनताओं के लिए। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य सरकार इस साल किसानों को 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ कर रही है, अगले साल 1,00,000 रुपए तक का कर्ज माफ करेगी। वित्त मंत्री शुक्रवार को बजट पर सामान्य चर्चा के बाद सरकार के जवाब के क्रम में यह घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का सार आम जनता और गरीब गुरबों का कल्याण है। इसका उद्देश्य रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। ऐसा नहीं कि बजट किसी पदाधिकारी ने बना दिया और उन्हें पढ़ दिया।
बजट को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के टीम 3 माह से लगातार बैठकें कर रहे थे। उनकी टीम ने भी पूरी मेहनत की। वित्त मंत्री ने कहा कि यूनिवर्सल पेंशन में अर्हता रखने वाले सभी वृद्धजनों को 1,000 रुपये पेंशन देना कोई छोटी मोटी योजना नहीं है। इसके तहत 3.65 लाख दिव्यांगों को भी पेंशन मिलेगी। कहा, सरकार 22 रुपये किलो अनाज FCI से खरीदती है और 1 रुपये किलो बांट देती है। 21 रुपये सीधे गरीबों के जेब में जाता है, यह बचत नहीं तो और क्या है। इसके साथ ही 74 साल बाद गोड्डा में एक खुशखबरी मिली है दोस्तों। गोड्डा में 122 की स्पीड से दौड़ी CRS स्पेशल। विधायक से सांसद ने पूछा, अब तेरा क्या होगा कालिया। देश की आज़ादी 74 साल के बाद झारखंड का गोड्डा जिला भी रेल नेटवर्क पर आ गया है। अब यह तय हो गया कि यहां से अगले कुछ दिनों में ही रेलगाड़ियों का परिचालन भी शुरू होगा। गोड्डा के लोग भी अपने शहर से रेल का सफर शुरू करेंगे। शुक्रवार को निर्धारित समय से पूर्व रेलवे अंतर्गत मालदा डिवीजन की ओर से गोड्डा पोड़ैयाहाट न्यू रेल लाइन का CRS निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्पीड ट्रायल भी हुआ। रेल अधिकारी ने CRS को पूरी तरह सफल बताया। जल्द ही इसकी रिपोर्ट विभाग को दी जाएगी। इसके बाद रेलवे बोर्ड रेल परिचालन का आदेश जारी करेगा। रेल बोर्ड की अनुमति मिलते ही रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू होगा। रेलवे बोर्ड ने गोड्डा से नई दिल्ली के लिए हमसफर एक्सप्रेस चलाने की मंजूरी भी दे दी है। इसके साथ ही झारखंड के हजारीबाग से एक बड़ा खुलासा सामने आया है। हजारीबाग में पेट्रोल के कारण केरोसिन में हो रहा था विस्फोट। हजारीबाग जिले के सदर प्रखंड क्षेत्र के कुछ गांव में किरोसिन तेल से हुआ विस्फोट मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। विस्फोट में हजारीबाग में 4 लोगों की मौत के बाद से जांच कर रही मुफस्सिल थाना की पुलिस ने आरोपित टैंकर चालक व उसकी निशानदेही पर रांची जिले के और मांझी निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर है दोस्तों धोनी को लेकर। क्रिकेट के बाद अब गाय पालने में भी धोनी बने नंबर वन। क्रिकेट के बाद अब खेती किसानी के मैदान पर भी धोनी एक के बाद एक रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं। धोनी पूर्वी भारत के सर्वश्रेष्ठ गोपालक का सम्मान अपने नाम कर लिए हैं। उन्हें यह अवार्ड बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चल रहे किसान मेले में दिया गया। यहां पूर्वी भारत के किसान और गोपालक जुटे हैं। शुक्रवार को यह सम्मान झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने धोनी के प्रतिनिधि के रूप में उनके कर्मचारी कुणाल गौरव को दिया। उन्होंने बताया कि यह उनके लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने बताया कि धोनी इन गायों से बहुत प्यार करते हैं। वे जब यहां होते हैं तो दिन में एक बार इनके पास जरूर आते हैं। पुरस्कार लेने के बाद कुणाल गौरव ने बताया कि धोनी अभी 73 गायों का पालन कर रहे हैं। इनमें फ्रिजियन और साहिवाल नस्ल की गायें हैं। इन्हें पंजाब से लाया गया है। इनसे रोजाना लगभग 400 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। गायों का सारा दूध काउंटर से ही बेचा जाता है। इसके साथ ही अगला समाचार मौसम विभाग से है। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड के रांची में सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर गया उच्चतम तापमान। 8 मार्च से छाएंगे फिर से बादल। पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। राज्य में सबसे ज्यादा गर्मी पश्चिमी सिंहभूम में पड़ने की संभावना है। यहां का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं गढ़वा, पलामू, धनबाद, सिमडेगा, सरायकेला, खरसवां और पूर्वी सिंहभूम में तापमान 36 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 मार्च से राज्य के विभिन्न हिस्सों में बादल छाने की संभावना जताई जा रही है। विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 8 मार्च को रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, गढ़वा, चतरा और लातेहार में दोपहर के बाद बादल छाएंगे। वहीं फिर 10-11 मार्च के राज्य के विभिन्न हिस्सों में गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सामान्य रूप से मौसम शुष्क रहा। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जमशेदपुर का रिकॉर्ड किया गया। यहां का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान बोकारो का 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में सीएम का स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस। हेमंत सोरेन ने कहा, हमारे पास अपार संसाधन है, बस तरासने वाले की कमी है। झारखंड के उद्यमियों ने कहा, पहले हमारी परेशानियों को तो जान लेते सरकार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शनिवार को झारखंड में उद्योग लगाने के लिए दिल्ली में स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वे वहां उद्यमियों के साथ चर्चा कर उन्हें झारखंड में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित कर रहे थे। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारे राज्य में किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए किसी चीज की कमी नहीं है, केवल चीजों को तराशने और वैल्यू एडिशन की व्यवस्था की कमी है, जिसे आप लोग पूरा कर सकते हैं। स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस का झारखंड के उद्यमियों ने स्वागत तो किया। झारखंड के चैंबर पूर्व अध्यक्ष उद्योगपति दीपक मारू ने कहा कि ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन ये चीजें अगर घर से शुरू होती तो ज्यादा ही बेहतर होता। जो उद्योग 30-40 साल से राज्य में चल रहा है, राज्य को रोजगार और राजस्व दोनों दे रहा है, अगर उनसे परेशानियों को जान लिया जाता तो बाहर लोगों को समझाने में बेहतर होता। उन्होंने कहा कि उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर राज्य के उद्यमी ही हो सकते हैं, कोई और नहीं। झारखंड में रोजगार और निवेश लाएंगे हेमंत सोरेन, दिल्ली में उद्योगपतियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कोरोना की वजह से संकट में आई झारखंड की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार सक्रिय हो गई है।
अपने पूर्वोत्तरी रघुवर दास की सरकार की तरह अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने पर काम शुरू कर दिया है। बीजेपी की रघुवर दास सरकार ने प्रदेश में निवेश लाने के लिए जहां मोमेंटम झारखंड शुरू किया था, वहीं हेमंत सरकार इमर्जिंग झारखंड लाने जा रही है। इसके लिए सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उद्यमियों और बड़े उद्योगपतियों के साथ उनकी बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना पर विचार विमर्श होगा। स्टेक होल्डर्स मीट में सीएम हेमंत सोरेन बोले, टाटा बिरला जैसे उद्यमियों का झारखंड में हुआ उदय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए झारखंड तैयार है। हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं चीजों को नैतिक से देखकर समझने की कोशिश करता हूं। झारखंड अग्रणी राज्य बन सकता है, हर सेक्टर में झारखंड आगे बढ़ने की दिशा में प्रयासरत है। वे शनिवार को नई दिल्ली में स्टेक होल्डर समिट में उद्यमियों से चर्चा कर रहे थे। सीएम ने कहा कि कभी इस देश को टाटा बिरला जैसे उद्यमियों के नाम से जाना जाता था, उनका उदय हमारे राज्य झारखंड में ही हुआ था। चाहे हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन हो या बोकारो स्टील प्लांट या फिर टाटा स्टील, यहां तक कि किसानों के लिए पहला फर्टिलाइजर प्लांट भी हमारे राज्य झारखंड में बना था। झारखंड के निजी अस्पतालों में अब 24 घंटे लगेंगे कोरोना का टीका, झारखंड सरकार ने दिया है आदेश। झारखंड में कोरोना टीकाकरण के लिए चिन्हित सभी निजी अस्पतालों को 24 घंटे टीकाकरण की अनुमति दे दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक रविशंकर शुक्ला ने इस बाबत सभी सिविल सर्जन को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि सभी योग्य निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को केवल कोविड-19 के टीके तय कीमत पर उपलब्ध करावें। इसके साथ ही आज के समाचारों बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।